तरह का बिगेस्ट फेस्टिवल जो कि गोवा में यूनिक तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, नरकासुर वध। इसका तो कंपटीशन भी होता है और एक्ट और स्टैचूज के जरिए हम लोगों को दिखाया जाता है। 3 लाख रुपीज तक प्राइजेस होती है और ये कहाँ कहाँ पर अपने को देखने के लिए मिलेगा वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। नरकासुर वध जो सेलिब्रेशन होता है, जो कंपटीशन होता है, ये जब मेन दिवाली रहती है, नरक चतुर्दशी के जो पहले छोटी दिवाली रहती है उस दिन ये सब कुछ होता है। सो यहाँ पर दो तरीके होते हैं, एक तो एक्ट होता है और दूसरा होता है स्टैचू। सो ये जो है मेन सिटीज में गोवा में आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि मरगांव और पंजिम, पोर्वोलिम या फिर मापसा, ऐसे जो मेन सिटीज़ हैं यहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो एक्ट रहता है ये हम लोगों को जो विष्णु टेंपल है या फिर विष्णु अवतार जो टेंपल्स होते हैं वहाँ पर आपको ये सारी देखने के लिए मिलने वाली है। बेसिकली ये जो एक्ट रहता है ये शाम को 6 बजे के बाद स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर आपको कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं रहते। यहाँ पर आपको एक ही जगह पर 20 से 30 जो है कम से कम नरकासुर वध के जो है आपको सारे के सारे प्रोग्राम देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, इस एक्ट में आपको भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का वध कैसे करते हैं वो अलग अलग तरीके से आपको दिखाया जाता है। तो इसी को एक ड्रामा के स्वरूप में एक भव्य दिव्य ऐसे इतना पूरा का पूरा माहौल, इतना म्यूजिक के साथ में जो फायरवर्क्स, फायर क्रैकर्स और इसके जो लाइटिंग रहती है ये सब कुछ इतना ह्यूज रहता है कि आप बस सच में वो वध देख रहे हो ऐसा आपको फील हो जाता है। तो ये सच में देखने जैसा रहता है। सो हम लोगों ने जो है ये सैनकॉल में देखा था, जो लक्ष्मी नरसिंह टेम्पल है वहाँ पर 12 बजे के बाद ये स्टार्ट हो गया था और पोर्वोलिम में 9:30 बजे के बाद स्टार्ट हो जाता है। सो इस एक्ट में आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है, तो आप इसे मिस बिल्कुल भी ना कीजिएगा। वैसे तो साउथ साइड में सर हर जगह पर जो है आपको नरकासुर वध जो है छोटे पैमाने में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन गोवा में इसे बहुत ही बड़े पैमाने में आपको देखने के लिए मिल जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का इतना बड़ा सेलिब्रेशन आपको और कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो मैं अभी आपको तो एक्ट अभी दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं अभी आपको जो है स्टैचूज के बारे में भी आगे इन्फॉर्मेशन दिखाने वाली हूँ। ये देख मेरे कानों के कुंडलों के इनमें स्वर्ग लोगों की संपूर्ण देवताओं का सम्मान गिरी रखा है। मैं तो कुछ भी करता हूँ वही धर्म है। यहाँ जो कुछ भी कर रहा हूँ अपना धर्म का पालन करने के लिए ही कर रहा हूँ। अब तू भी समझ ले नरकासुर, मैं भी अपने धर्म में पालन करने आया हूँ और मेरा धर्म है हम गए थे पंजिम में नरकासुरा के स्टैचूज देखने के लिए। सेंट इज इस प्लेस पर हम लोग गए थे, वहाँ पर पंडाल रहते हैं जिसमें नरकासुरा रखे हुए होते हैं और वहाँ पर लाउड म्यूजिक और बहुत बड़ी लाइटिंग रहती है। सो यहाँ पर आप 12 बजे से पहले जाइएगा क्योंकि 12 बजे के बाद म्यूजिक और लाइट्स जो है वो बंद किया जाता है और नरकासुर के जो है वो वध किया जाता है। फर्स्ट मुझे लगा था कि जैसे कि रावण दहन होता है, रावण को जलाया जाता है, वैसे यहाँ पर होता होगा, लेकिन यहाँ पर नरकासुर का जो है वध किया जाता है, इन्हें जलाया नहीं जाता इन स्टैचूज को। सो 12 बजे के बाद ये सब कुछ क्लोज हो जाता है, तो आप उससे पहले जाइएगा और इस स्टैचूज को देखने के बाद जो है आप एक्ट देखने के लिए जाइएगा, क्योंकि ओवरनाइट पूरी रात जो है इस एक्ट को जो है आप देख सकते हो। सो किन किन प्लेसेस पर, सो ये था नरकासुरास के अलग अलग स्टैचूज और उसके बाद यहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है, तो उसके लिए आप अपनी बाइक से जाइएगा या फिर पैदल आपको घूमना पड़ेगा, लेकिन पैदल जो है कन्वीनियंस नहीं है, आप जो है बाइक से ही जाइएगा। कार से आप ट्रैफिक में फंस सकते हो। हम लोग ने जो है मैप के ऊपर जो रेड जो प्लेसेस थी वहाँ पर गए थे, क्योंकि वहीं पर जहाँ पर भीड़ है वहीं पर जो है स्टैचूज थे। अगर आपको पता नहीं है तो आप ऐसे इस छोटी सी आइडिया से जो है इन प्लेसेस पर जो है वो घूम सकते हो।
यहाँ पर हम लोगों को अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग तरह के, अलग अलग साइज के जो है नरकासुरास देखने के लिए मिले, जो कि काफी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर बाइक्स पर और कार्स पर, या फिर जो है छोटे छोटे घर के बाहर गली में, छोटे छोटे गले में आपको जो है छोटे छोटे नरकासुर जो है देखने के लिए भी मिल जाएंगे। सो यहाँ पर हम लोगों ने जो है सारे नरकासुरास देखे। और अगर आपको भूख भी लग जाए तो यहाँ मेन सिटी होने की वजह से आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं, स्टॉल्स मिलने वाले हैं, तो उसकी बिल्कुल भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। इन नरकासुरास की जो प्रिपरेशन है कई महीनों पहले ही की जाती है और यहाँ पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं और जिसका नतीजा आप ही देख ही सकते हो, रियल लगते हैं नरकासुरास। और यहाँ पर जो है आपको एक्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ स्टैचू मिलेंगे जहाँ पर आपको है अलग अलग तरीके के नरकासुर देखने के लिए मिल जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि साउथ साइड में नरकासुर वध तो सभी जगह सेलिब्रेट किया जाता है लेकिन छोटे पैमाने में किया जाता है। लेकिन जो कोंकण है, जैसे कि सिंधुदुर्ग हो गया महाराष्ट्र में और गोवा हो गया, वहाँ पर जो है बहुत बड़े पैमाने में जो है नरकासुर जो सेलिब्रेशन है वो किया जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत। तो आप जो है इसे ज़रूर देखिएगा, स्पेशली गोवा में इसके लिए ज़रूर आइएगा। और यहाँ पर आएंगे तो स्टे के भी ऑप्शन चाहिए होंगे और आसपास की प्लेसेस भी आप घूमेंगे, तो आप जो है मेरे आइटनरी या फिर रिसॉर्ट्स के जो है ब्लॉग्स भी आप ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको आसानी होगी। अगर आप यहाँ पर नहीं भी आ सकते तो ये एक वर्चुअल टूर है, अगर आप ये सब कुछ पूरा का पूरा ब्लॉग देखने तो आपको पता ही चल जाएगा कि यहाँ पर कितने अच्छे पैमाने में जो है नरकासुर वध जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप तो एक बार दिवाली में जो है गोवा में ज़रूर आइएगा। भारत की संस्कृति को एक नए तरीके से दिखाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है और मैंने भी इसे फर्स्ट टाइम ही देख लिया था। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर फॉरेनर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं इस जो नरकासुर वध फेस्टिवल है उसे देखने के लिए, और हम लोग भी जो है पूरी फैमिली के साथ इस फेस्टिवल को देखने के लिए आए थे और हम लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। और यहाँ पर ये जो फेस्टिवल है ये 2-3 साल कोविड के वजह से जो बंद था और लास्ट ईयर से जो है इसे फिर से चालू किया गया है, तो आप भी यहाँ पर ज़रूर आइएगा। और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।